नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एरिसिपेलस यानी विसर्प इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन के द्वारा देख सकते हैं कि इस इन्फेक्शन के कारण हमारे स्किन की क्या हालत हो जाती है। और यह इन्फेक्शन आपके फेस में हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, यानी बॉडी के किसी भी स्किन के पार्ट में हो सकता है। लेकिन ज्यादातर इसके केसेस आपको चेहरे में यानी फेस में देखते हुए मिलेंगे। तो आपको बता दूं कि आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट तथा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ योगा के स्टेप्स को बताऊंगा, जिसको करने से कोई भी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो उसको आप दूर भगा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इसके ISCT फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन्स इसके इंट्रोडक्शन, इसके सिम्टम्स, इसके काजेज तथा साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को एक एक को टॉपिक को लेकर डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह एक प्रकार का बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है। इसका इन्फेक्शन हमारे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर में होता है। बेसिकली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे स्किन में तीन प्रकार की लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली लेयर डर्मिस, और सबसे नीचे वाली लेयर को सब क्यूटेनियस लेयर के नाम से जानते हैं। इसका इन्फेक्शन ऊपर की दो लेयर में होता है, यानी एपिडर्मिस में तथा डर्मिस लेयर में होता है। सिंपल चीज है। अच्छा, तो अब आइए मैं आपको उस बैक्टीरिया से मिलाता हूँ जिस बैक्टीरिया के कारण ये खूंखार इन्फेक्शन उत्पन्न होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स, जो एक प्रकार की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे स्किन में कोई चोट लग जाती है या कोई कट्स वगैरह लग जाते हैं, तब उस केस में ये बैक्टीरिया आपके स्किन के अंदर जा सकता है, जिसके कारण ये अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगा और वहां पे इन्फेक्शन काज करेगा और आपको एरिसिपेलस नामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। फिलहाल चलिए मैं आपको चार ऐसे सिम्टम्स बताता हूँ, चार ऐसे लक्षण बताता हूँ, जिसको आप अगर जान जाएंगे तब आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि एरिसिपेलस बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है या कोई और टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। तो आप इन चारों सिम्टम्स को मिलाइए, अगर ये चारों सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं तब इसका मतलब आपको एरिसिपेलस का इन्फेक्शन हुआ है। नंबर वन, जिस स्किन के पार्ट में इसका इन्फेक्शन हुआ रहेगा वहां पे स्किन कुछ रेड टाइप में यानी लाल टाइप में दिखाई देगी तथा वहां पे सूजन आ जाने के कारण वहां पे छूने पे दर्द करेगा। नंबर टू, जहां पे इसका इन्फेक्शन हुआ रहेगा वहां पे ऐसा प्रतीत होगा जैसे स्किन जल रही है, यानी बर्न टाइप में फील होगा, तथा साथ ही साथ ऐसा प्रतीत होगा जैसे वहां पे स्किन सुन्न हो गई हो। नंबर थ्री, इन्फेक्शन के दौरान वोमिटिंग यानी उल्टी आना तथा फीवर यानी बुखार आना तथा साथ ही साथ हेडएक, बैकएक तथा लगातार शरीर में थकान बनी रहती है। नंबर फोर, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं चौथा लक्षण बताने जा रहा हूँ ये गेम चेंजिंग लक्षण है। अगर आप इसको पकड़ ले जाएंगे तब आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपको एरिसिपेलस का इन्फेक्शन हुआ है कि सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है। जिस स्किन के पार्ट में इसका इन्फेक्शन हुआ है वहां पे किसी भी तरह से पस यानी मवाद का निर्माण नहीं होता है। अगर वहां पे किसी भी तरह से पस या मवाद का निर्माण हो रहा है तब उस केस में आपको एरिसिपेलस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उस केस में आपको सेलुलाइटिस नामक बैक्टीरियल स्किन का इन्फेक्शन हुआ है। और अगर आपको सेलुलाइटिस के बारे में डिटेल में नॉलेज प्राप्त करना है तब आप ऊपर दिए जा रहे लिंक को क्लिक करिए, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करिए तुरंत देख लीजिएगा। फिलहाल एक और यहाँ पे लक्षण जोड़ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब इसका इन्फेक्शन यानी एरिसिपेलस का इन्फेक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब उस केस में हमारी लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है यानी फूल जाती है। फिलहाल ये बहुत रेयर केस में होता है और जब बहुत ज्यादा इसका इन्फेक्शन हो जाता है तब उस केस में होता है। तो दोस्तों, अगले आने वाले लेक्चर में हम इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में तथा साथ ही साथ इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कुछ योगा के ट्रिप्स बताएंगे जिसके द्वारा आप किसी भी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। इसको मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, जिससे हमको अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो आगे आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा, एक से दो दिन में अपलोड हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप साथ में ये भी कमेंट करिए
कि आपको अगला वीडियो किस बीमारी पे चाहिए, किस डिजीज पे चाहिए। आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दूंगा और उसका वीडियो मैं बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने ठान लिया है कि जितने भी मानव रोग हैं, जितने भी ह्यूमन डिसऑर्डर हैं, उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम हिंदी लैंग्वेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।